जय हिंद दोस्तों, साहनी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब बताइए, उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। मैं जो आज कक्षा सिक्स का भूगोल चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर अध्याय एक सौरमंडल में पृथ्वी जो पढ़ा चुकी हूँ पूरा थ्योरी, और उसका जो है प्रश्न आंसर जो है करवाने वाले हैं। तो इसका प्रश्न आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हम लिख रखे हैं प्रश्न आंसर, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में दीजिए। कुछ प्रश्न है जिसको जो है उत्तर देना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमने बहुत से परिभाषा दिए थे, तारा, ग्रह, उल्का पिंड, चंद्रमा, पृथ्वी, इन सबों से क्वेश्चन बन के आया है चैप्टर से, अध्याय से चैप्टर है ये, अभ्यास का चैप्टर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। देखिए लिखना अलग बात है और सुनना अलग बात है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न हमारा जो कह रहा है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है, बताइए दोस्तों। हम पहले ही पढ़ा चुके हैं ग्रह और तारे में अंतर, ग्रह क्या है हम पहले ही समझा चुके हैं और तारे क्या है ये भी हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर से क्वेश्चन आया है चैप्टर के अंदर कि ग्रह और तारे में अंतर स्पष्ट करना है दोस्तों। तो अंतर स्पष्ट करते हैं, चलिए हमने दो चार्ट तैयार करे हैं, एक में लिखे हैं ग्रह और एक में लिखे हैं तारे। ग्रह में पहले ग्रह को समझा लेते हैं फिर तारा को हम भी समझा लेंगे। तो देखिए दोस्तों ग्रहों का जो आंसर सुन लेते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में क्या हम बोले थे, पहले थ्योरी को याद कीजिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है तथा वे दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, वो क्या कहलाएगा, वही ग्रह कहलाएगा। वो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाता है। और हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ग्रहों का नाम बता देना है, जैसे कि सूर्य के दूरी के हिसाब से पहला ग्रह बुध, दूसरा जो है शुक्र, पृथ्वी मंगल बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इन ग्रहों को बोलते हुए ग्रहों का इंट्रोडक्शन जो है ख़त्म हो चुकी है, ग्रहों का जो है परिभाषा समाप्त हो चुकी है। अब चलते तारों की तरफ, तो तारों को पढ़ते हैं दोस्तों। तो तारे के लिए आंसर, तो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, वैसे जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड तारा कहलाता है। देखिए तो एक तरह से इन लाइनों का ये अपोजिट है, यहाँ हमने लिखे थे ग्रहों में, हम लिखे थे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होते, और यहाँ हम क्या लिखे, जिन खगोलीय पिंडों में प्रकाश एवं ऊष्मा होता है, यानी इन लाइनों का अपोजिट है ये। ग्रह और तारे में अंतर स्पष्ट किए, मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड तारा कहलाता है। सूर्य भी एक तारा है, और हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि प्राचीन समय में लोग जो थे दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से क्या करते थे, जो तारा का इंट्रोडक्शन में आया है, और ये तारा का जो परिभाषा फिनिश हो चुका है, और ये ग्रहों का पर देखिए, अगर ये आंसर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमें भी बताइए कि आंसर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इजी तरीके से एकदम तैयारी करके बता रही हूँ क्वेश्चन आंसर इसका, जो बिल्कुल इजी है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है फिनिश, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको रब कर लेते हैं पहले, इसको रब कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी हम क्वेश्चन फिर से लिखे हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, आंसर, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसे सौर परिवार का नाम दिया जाता है, और
इनका जो मुखिया जो है सूर्य होता है, सौरमंडल का मेन स्रोत जो है सूर्य होता है। एकदम इजी तरीके से आंसर फिनिश हो चुका है। जिनको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमको समझ पता चलेगा कि वीडियो आदमी देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, है ना। इसका तीसरा क्वेश्चन करते फटाफट, टाइम नहीं है दोस्तों, क्योंकि फटाफट करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, समझाना भी है। हम पहले से ही थ्योरी अच्छे से समझा चुके हैं दोस्तों, इसलिए हम जल्दीबाजी में इसको जो है समझा दिए। बिल्कुल ईजी तरीके से देख लीजिए, एक बार और हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौरमंडल का परिभाषा तो हम पहले ही दे चुके हैं, इसलिए हम फटाफट कर रहे हैं। सूर्य आठ ग्रह उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड, जैसे अन्य खगोलीय पिंड में आ जाता है क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिल करके सौरमंडल का निर्माण होता है, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका जो है मुखिया सूर्य होता है। बिल्कुल इजी तरीके से खत्म हो चुका है। इसका तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसको रब करते हुए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न दे दिया है, सूर्य के दूरी के हिसाब से, क्या प्रश्न दिया है, सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखिए। कितना इजी क्वेश्चन दिया है अभ्यास के अंदर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है बच्चों, सुन लीजिए। सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखिए। तो हम कल ही बताए थे जब हम ग्रह पढ़ाए थे, तो सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखना है, बस इजी है। तो हम लिख चुके हैं सूर्य के दूरी के हिसाब से वे हैं। तो कौन है, तो ग्रह है, सबसे पहले क्या होगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, फिर पृथ्वी हो जाएगी, फिर बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, बृहस्पति क्या हम बता रहे हैं, सूर्य के दूरी के हिसाब से बता रही हूँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति, फिर शनि, फिर शनि होगा, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून, देखिए दोस्तों इसमें जो हम ग्रहों की जो है नंबर इधर उधर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दूरी के हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बुध लिख देंगे, यहाँ मंगल लिख देंगे, यहाँ नंबर बाय नंबर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे लिखना पड़ेगा जैसे कि स्थित है। तो जैसे स्थित है बिल्कुल सौरमंडल में ग्रहों की संख्या, बिल्कुल वैसे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सूर्य लिख लेंगे, फिर हम मंगल लिख लेंगे, फिर कुछ और लिख लेंगे, नहीं, जो ग्रह जहाँ स्थित है वहीं पर हमको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछा है कि सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम लिखिए। अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है, उन ग्रहों के नाम लिखिए, फिर भी हम ऐसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम नंबर इधर उधर कर लेंगे, नंबर इधर उधर करने से हमारा मार्क्स जो है कट जाएगी, जिससे हमारा आंसर बिल्कुल श्योर नहीं होगा, आंसर परफेक्ट नहीं होगा, जिससे हमें मार्क्स मिलने की चांसेस कम रहेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, माइंड में बिठाएंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। बिल्कुल इजी तरीके से समझ लीजिए, सुनना पड़ेगा, लिखने से तो कुछ नहीं होने वाला है, सुनोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो ये हो गया सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रहों के नाम, जल्दी इसको करते हैं फटाफट रफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रफ करके क्वेश्चन नंबर आगे जो नंबर है उसको हम करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? कल जब हम पृथ्वी का परिभाषा दिए थे नेक्स्ट अगले वीडियो में जो, तो हमने पृथ्वी को पूरे अच्छे से डिटेल समझा चुके थे, इसलिए फास्ट में हम चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। तो पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, जिनको पता है वो बताइए दोस्तों, जिनको नहीं पता है वो सुनिए, लिखिए मत, सुनिए। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है जिस पर हम रह रहे हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना अधिक ठंड है। देखिए पृथ्वी को समझ लेते हैं, पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना तो अधिक ठंड है।
यहाँ जल एवं वायु उपस्थित है, पृथ्वी पर जल एवं वायु उपस्थित है, पृथ्वी पर जल एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। जल और वायु दोनों जीवन के लिए आवश्यक होता है, और वायु में उपस्थित गैस, वायु में उपस्थित जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो वायु में उपस्थित जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन है, इन्हीं कारणों से पृथ्वी को जो हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। देखिए, पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जिस पे सब चीज़ संभव है। जल एवं वायु भी उपस्थित है, ऑक्सीजन के लिए जो है वायु गैस जो ऑक्सीजन के रूप में हमें मिलता है सब उपस्थित है। इसीलिए जो बिल्कुल ईजी तरीके से हम समझा रहे दोस्त, ये हम माइंड में बिठाना चाहते बच्चों को कि बच्चे समझ नहीं पा रहा है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जा रहा है। जो हम हमेशा फील करते महसूस करते यानी हम देखते हैं कि पृथ्वी पे जल है, वायु है, पृथ्वी पे ऑक्सीजन है, पृथ्वी पे ना तो ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इन्हीं कारणों से जो है पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों, क्लियर हो चुका है। इसको मैं कर रही हूँ रफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जो है वो मैं बता दे रही हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो मैं एक कॉमेंट में छोड़ दूंगी, जो ब्रह्मांड क्या है उसको आप लोग कॉमेंट के जरिए बताओगे। इसको मैं रफ करते हुए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन को देखिए, लिखिए मत, सुनिए, समझिए, तब आप कुछ कर पाओगे। आप लिखा हुआ सब रद्दी बन जाता है, दिमाग लग जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा के आधे ही भाग को क्यों देख पाते? जब हम कल चंद्रमा पढ़ाए थे, सबको याद होगा, जिन जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा होगा उनको अच्छे से पता होगा कि चंद्रमा को हम आधे ही भाग को क्यों देख पाते। क्वेश्चन भी बना दिया है अभ्यास के अंदर, क्वेश्चन दे दिया है कि चंद्रमा को हम आधे हिस्से को क्यों देख पाते। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम अभी समझाने वाले हैं बिल्कुल इजी तरीके से। जो हम बहुत मोटे मोटे बुक पढ़ के नहीं समझ पाए वो एकदम इजी तरीके से अभी समझोगे। तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर आपको मैं आंसर भी लिख दूंगी। तो हम जो हमेशा प्रश्न है हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? दोस्तों प्रश्न है दोस्तों, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर हम कल ही बताए थे, अगले वीडियो में जो पीछे बनाए थे उस वीडियो में देखिए दोस्तों, बस हम पहले ही बता चुके हैं पृथ्वी का चंद्रमा का सब प्रश्न हम दे चुके हैं परिभाषा के तौर पे। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, कितनों दिनों में? 27 दिनों में, लगभग जो है 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है, यानी वो एक साथ दो वर्क कर रहा है। एक तो वो 27 दिन का भी काम कर रहा है, और एक जो है अपने अक्ष पे घूमने वाला भी काम कर रहा है। जब दो काम करेगा तो वाकई वो एक ही आधे हिस्से को हम देख पाएंगे, तो अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसीलिए चंद्रमा को केवल हम एक ही भाग को हम हमेशा देख पाते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, आंसर सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा जो क्वेश्चन इतने लंबे चौड़े दिख रहा है उसका आंसर कितना इजी तरीके से है। जो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है, लगभग इतने ही समय में अपने आप पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है, जिसको आप लोग हम देंगे और आप लोग कॉमेंट के जरिए बताना है आंसर। मैं वो क्वेश्चन को छोड़ रही हूँ आप लोगों के ऊपर आंसर तैयार करने के लिए कि ब्रह्मांड क्या है। तो मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, ब्रह्मांड क्या है, और उस क्वेश्चन को आप लोग अभी बना करके कमेंट के जरिए हमें दोगे आंसर।
ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में दे रही हूँ ब्रह्मांड का। अच्छे से हम इसको रब कर लेते हैं। प्रश्न जो है, ब्रह्मांड क्या है? इसका उत्तर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम पहले से ही समझा चुके हैं हर चीज गैलेक्सी आकाशगंगा जो आता है उसका फिर आता है वो सब ब्रह्मांड कहलाता है। हम कुछ इंट्रोडक्शन दे देते हैं तो वीडियो को हम यहीं कर रहे हैं स्टॉप दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी कमेंट कीजिए दोस्तों। और जैसे भी हमारी कोशिश है कि जो बच्चे जो हर क्षेत्र में जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहा है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कहीं अदर जगहों से, तो मेरी वीडियो के थ्रू वो अपने आंसर को तैयारी कर सकता है। और हम कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप दोस्तों, तो बाय बाय।